वजह से शायरा आज इस घर में नहीं, उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तू है। तू घटिया दोस्त तो था ही, लेकिन अब तूने साबित कर दिया है कि तू इस दुनिया का सबसे बुरा बेटा और सबसे बुरा शौहर। भाईजान छोड़ दीजिए भाईजान, कोई जरूरत नहीं है उस नूर की हिमायती करने की, खड़े रहो यहीं पर। खालिद भाईजान छोड़ दीजिए। अच्छा, पहले अपने शक की वजह से अपनी मोहब्बत का गला घोटो और अब अपनी दोस्त का गला घोट रहा है। दान बाबा, नूर बीबी मर जाएगी। अच्छी बात है, ये इसे मार कर जेल चला जाएगा और यहाँ की रानी हम बन जाएंगे। बेगम साहिबा, अजान बाबा को रोकिए ना। अम्मी, भाईजान बड़ी अम्मी को अंदर लेके चाहिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अम्मी अनबिलीवेबल, इस हालत में इन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है, तो आई होप कुछ मेजर हुआ होगा जिसने इनको रिएक्ट करने के लिए मजबूर किया है। बीपी तो नॉर्मल है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है जिसके कारण इनको गहरी नींद आ जाएगी, और नींद भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की दवाई। तो आपके कहने का मतलब है अभी वो ठीक हो जाएंगे? साइन तो पॉजिटिव है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अभी आपको इनका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी डॉक्टर। अल्लाह, सब खराब हो रहा है। थैंक यू सो मच, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ सकता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब बेगम साहिबा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी ना, तब मैं उनके लिए पीर बाबा की दरगाह पे छतर चढ़ाऊंगी। चल चल चल, अभी बेगम साहिबा के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना के लाते हैं। हाँ चल, बढ़िया उनको रेस्ट करने देते हैं। चलो अजान बेटा, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन मेरा भी घर है, परिवार है, खर्चे हैं। आपकी फैमिली से मेरे इतने गहरे ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से मैंने कभी आपसे फीस नहीं मांगी, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट पे भी 10 लाख खर्च हो चुके हैं। I understand, डॉक्टर साहब। And इस मुश्किल के दौर में आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए really thank you, I really appreciate that। और आप फिक्र मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं जमा कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। जी सॉरी बड़ी अम्मी, मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। लेकिन अब देखना, अब सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। डॉक्टर, आपकी फीस। लेकिन नूर बेटा, प्लीज
प्लीज ये ले लीजिए, प्लीज। खुश रहो। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना आपको मुझ पे अम्मी, ये सब कुछ देख के। अजान से पहले आपको मुझे चप्पल से मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? आपको पता है ना, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ पड़ी अम्मी और अजान के लिए कर रही हूं। पड़ी अम्मी और अजान इस बेगम महल की बुनियाद है अम्मी, और अगर बुनियाद ही कमजोर पड़ गई तो सब कुछ टूट सकता है, ये घर बिगड़ सकता है, और मैं इस घर को बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं तो ये सब झूठ था, नाटक था। कैसा नाटक? रहने दीजिए अप्पी, अब आपको और कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही समझ गए थे कि आप बेगम साहिबा के साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकती, वो सब एक दिखावा था, और जो आप हमारे साथ कर रही थी वो भी एक नाटक था, है ना? सॉरी, मैंने तुम दोनों को मोटू और पतलू कहा। मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने आपको कुत्ते और कमीनी कहा। क्या? माफ कीजिए। अब तुम इस जंग में अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये जंग इतनी आसान नहीं होगी खालिद, हमें बड़ी अम्मी को पूरी तरह से ठीक करना होगा, उन्हें फिर से भोपाल की बहू बेगम बनाना होगा। जो अजान खो गया है उसे वापस ढूंढ के लाना होगा, इस बेगम महल की शान और शौकत को फिर से बरकरार करना है हमें, और हम ये करेंगे, हम ये जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। आमीन। सुमा आमीन। अम्मी मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, आप जानती नहीं कि आज मैं कितना खुश हूं। आज जितने सालों बाद आपकी जुबान पे मेरा नाम आया, आपने अजान कहा, आप लोग फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगी, ये नूर का आप दोनों से वादा है। बड़ी अम्मी की दवाई? पता है आज बड़ी अम्मी ने रिस्पॉन्ड किया, अजान ने आज मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
और जो ठीक नहीं है उसे भी ठीक करना है। बाय। हसन बाबा चाय? नहीं नहीं जी। भाई जब कल जो कुछ भी हुआ उसमें एक चीज तो अच्छी हुई, बड़ी अम्मी इतने सालों बाद अपनी खामोशी तोड़ी। किसे फोन कर रहे हैं आप? डॉक्टर को खालिद, आज उनको अम्मी के चेकअप के लिए आना था और फोन ही नहीं उठा रहे। सब उस नूर की गलती है। डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे उसमें नूर की क्या गलती है? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? और तुम तो उस नूर की वकालत ना हमारे सामने मत ही करो तो बेहतर है। रूबीना, अजान भाई बड़ी अम्मी की तबीयत कैसी है? आपने उन्हें दवाई दी या नहीं? नहीं, वो अम्मी की दवाई मिल नहीं रही। मेडिसिन नहीं मिली मतलब? पर उनकी दवाइयां तो उनके बेडसाइड ड्रॉअर में रहती है। आई नो खालिद, मैं जब दवाई देने गया तो मेडिसिन वहां पे थी नहीं। आई थिंक खत्म हो गई होंगी। इससे डॉक्टर साहब जब चेकअप के लिए आ रहे थे तो मैंने सोचा उनको कॉल करके बोल देता हूँ कि दवाई भी लेते हैं, बट फोन ही नहीं उठा रहे। रुजुबा मैंने कहा ना चाय नहीं चाहिए। एक काम करो, जाके लैंडलाइन फोन लेकर आओ, डॉक्टर को कॉल करना। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्या मतलब नहीं आएंगे? मैंने फारसी में तो कहा नहीं है कि तुझे समझना है। नहीं आएंगे का मतलब नहीं आएंगे। मैंने उनकी फीस क्लियर कर दी है और अब वो नहीं आएंगे। पागल है तू? तुझसे किसने कहा ये करने का? तुम सच में पागल हो गई हो नूर? कुछ हो गया बड़ी अम्मी को, वो मर मर गई तो? रुबीना, ऐसे मनहूस बातें करना जरूरी है क्या? तुझसे कहा था ना, मैंने कहा था ना कि मेरी और मेरी अम्मी की लाइफ में इंटरफेयर मत कर। अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस को बोल दूंगी, ठीक है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? देख, मैं ये नहीं जानता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरी अम्मी ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। इसलिए उनको परेशान करना बंद कर। उनको इलाज की जरूरत है, फॉर गॉड सेक, उनको डॉक्टर की जरूरत है। और तूने अब मोटू जाके देखो दरवाजे पे कौन है। अरे डॉक्टर शर्मा आइए। ये कौन है? डॉक्टर है, तुम्हारी अम्मी के लिए बुलाया है। पागल हो गई है तू? किसी भी अरे गहरे डॉक्टर से मैं अपनी अम्मी का इलाज नहीं कराऊंगा, सुना तूने? वाह, मतलब डॉक्टर को फीस देने के भी पैसे नहीं है और नखरे देखो नवाब साहब के। डॉक्टर तो यही है और यही तुम्हारी अम्मी का इलाज करेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो अपनी अम्मी को लेके कहीं महिला आश्रम में निकल जाओ। वो डॉक्टर अपनी फीस मुझसे मांग रहा था। और वैसे भी मैं क्यों महंगे डॉक्टर्स को पैसे दूं? पैसे तो मेरे हैं ना, सो डॉक्टर तो यही रहेंगे। वैसे ही तुम लोगों के लिए बहुत कर रही हूं। Got it? भाईजान, इस वक्त बड़ी अम्मी का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है, करवा लेते हैं ना। अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ ना नूर, तो मैं तेरी जान ले लूंगा। I'll bloody kill you और खुद जेल चले जाऊंगा। I don't give a damn। फिर ये भी हो सकता है कि तू खुद मेरे पास थैंक यू और सॉरी बोलने आए। सॉरी माय फॉल्ट। देखते हैं डॉक्टर, चल। इनकी ये हालत कब से है? पिछले 5 साल से। व्हाट, 5 साल? 5 साल हो गए और ये ठीक नहीं हुई? डॉक्टर साहब वो ट्रीटमेंट चल ही रहा था, इनफैक्ट लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, पर आज अम्मी की दवाई मिली नहीं, इसलिए उन्हें दवाई दे नहीं पाया।
तो शुक्र कीजिए कि मेडिसिन नहीं मिली। जी यही दवाइयाँ दे रहे थे ना आप लोगों ने? हाँ, पर ये आपके पास कैसे? मैंने ये मेडिसिन डॉक्टर शर्मा को दी थी चेक करने के लिए। What? इसका मतलब तब से ये दवाई तेरे पास थी और तू जानबूझ के। मिस्टर आजान प्लीज, आप प्लीज मेरी पहले बात सुन लीजिए। आपकी अम्मी को जो दवाइयाँ दी जा रही थी उसमें कुछ मिला हुआ है जिसकी वजह से वो कभी ठीक नहीं हो पाई। Yes. सदमे के वजह से वो ट्रोमा में थी, लेकिन ऐसे पेशेंट्स कुछ ही महीनों में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाई क्योंकि इन्हें गलत दवाइयां दी जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मिस नूर ने मुझे वो दवाइयां दे दी और मैंने लैब में टेस्ट करवा लिया, वरना पता नहीं आप लोग कब तक इन्हें ये जहर देते रहते।